विधानसभा सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है। कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर बहस आज होगी। कार्यवाही में ऑनलाइन जुड़ सकेंगे एमएलए। नए नियम पर आज चर्चा होगी। देश की किसी भी विधानसभा में नियम लागू नहीं है। कार्यवाही में ऑनलाइन जुड़ सकेंगे एमएलए। आज नए नियम पर बहस हो सकती है। बता दें कि देश की किसी भी विधानसभा में ये नए नियम लागू नहीं है। मॉनसून सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है। कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर आज बहस होगी। पक्ष और विपक्ष नए नियम पर आज चर्चा होगी बहस होगी। विधानसभा का भी मॉनसून सत्र चल रहा है और आज इस पर पूरे हंगामे के आसार है। कार्यवाही में ऑनलाइन जुड़ सकेंगे विधायक। नए नियम पर भी आज बहस होगी। रतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। रतीश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज नए नियमावली पर बहस होगी, चर्चा होगी। आज का दिन किस तरह से महत्वपूर्ण होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा ऐसी है जिसने नई नियमावली को अपने यहाँ लागू किया है। 65 वर्ष बाद ऐसा काम किया गया है और इसे लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी काफ़ी आशान्वित हैं इस पर चर्चा करने को लेकर के। नई नियमावली में तमाम प्रावधान लाए गए हैं। इससे पहले जब नई नियमावली बनी थी तो वो अंग्रेजी में 1958 में बनाई गई थी। उसका हिंदी अनुवाद किया गया था जिसमें तमाम शब्द जो है वो जटिल हुआ करते थे, जिन्हें पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तो ऐसे में नई नियमावली के तमाम शब्दों को बदला गया है, उसकी कार्यप्रणाली को बदला गया है, तमाम नई चीज़ों को आज के वर्तमान परिदृश्य में देखते हुए उसको शामिल किया गया है और इन्हीं सब पे चर्चा होनी है। नई नियमावली उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो बनी है उस पर क्या बेहतर तरीके से काम किया जाए, किस तरह से काम किया जाए और क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, उन पर आज चर्चा होगी। लेकिन इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दे भी हैं। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने एक बार फिर से सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की बात कही है और कहा है कि सरकार जिस तरह से कह रही है कि सूखा नहीं है या सूखे जैसी स्थिति कहीं किसी ज़िले में नहीं है, तो तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां से उनके कार्यकर्ता ऐसी रिपोर्ट उनको कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सूखे की स्थिति विषम है, परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखे की स्थिति है और जिससे किसान और आम लोग दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। तो तमाम मुद्दे और भी अन्य भी हैं जिन पर आज सदन में विधान परिषद में चर्चा होनी है। कल भी तमाम मुद्दे ऐसे थे विधान परिषद में, टोल बूथ पर माननीयों के जाने पर उनकी पहचान न हो पाने का मुद्दा हो, चाहे लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन को बढ़ाने का मुद्दा हो। सपा के एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया, 20,000 रुपये से 30,000 रुपये करने की बात कही। ये भी दलील दी कि खुद राजेंद्र चौधरी और जो विधान परिषद के सभापति हैं कौर मानवीन सिंह, वो भी इमरजेंसी के वक्त जेल में बंद रहे थे। तो तमाम अन्य मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई, लेकिन आज के मुद्दे कुछ इस तरह के रहने जा रहे हैं जिनमें विपक्ष सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश कर सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया रतीश जानकारी देने के लिए आपका।